पोस्टपोनमेंट के चांसेस हैं, जो अभी तक आपको कॉन्टिन्यूसली बता रहे थे कि हाँ पोस्टपोनमेंट होगा, आप ये करो वो करो, एक्सवाइजेड चीजें आ रही थी। उसके ऊपर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी थोड़े टाइम पहले भी आपकी एक एनबीए की नोटिस आई है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने आपके एडमिट कार्ड के लिए बोला है कि आपके बहुत जल्द शॉर्टली आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि चांस ऑफ पोस्टपोनमेंट इज वेरी वेरी माइनूट। मैं अभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं होगा, हाँ 5% 10% चांसेस हैं कि पोस्टपोनमेंट हो जाए। इवन मैं अभी भी चाह रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अभी भी चाह रहा हूँ कि आपके लिए पोस्टपोनमेंट हो, जिससे आप अपने पेपर्स में ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सको। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट के चीजों को लेकर चलूंगा, जिस हिसाब से चीजें वर्कआउट हो रही हैं एट द मोमेंट, मुझे नहीं लगता या टीम एडमिशन मीडिया को नहीं लगता है कि पोस्टपोनमेंट के 90% चांसेस भी हैं, 5-10% मैक्स टू मैक्स चांसेस हैं। और रही बात आपके वीडियोस और बाकी चीजों पे, अभी लोग बोलेंगे कि आई एम थ्रोइंग माय फोन इन गार्बेज या डस्टबिन या एक्स वाई जेड। सर, नो वन हैज पुटेड अ गन ऑन योर हेड टू वॉच माय वीडियो। हमारी जो भी वीडियोस है, कहीं से कोई स्पॉन्सर नहीं है, सो कॉल्ड मेरे पास कोई सोर्सेस भी नहीं है जहां से मैं आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन ला के दे रहा हूं या तुक्का मार रहा हूं कि ऐसा होगा ही। मैंने प्रिडिक्शंस इसके पहले भी किए थे कि आपके एग्जाम को पोस्टपोन्ड होगा, आपके एडमिट कार्ड आपके फॉर्म्स भी आ जाएंगे, फॉर्म्स सबमिशन भी हो जाएगा, उसके बाद भी पोस्टपोनमेंट होगा। एंड एट दैट मोमेंट आपको कोई भी नहीं बोल रहा था कि पोस्टपोनमेंट के चांसेस भी हैं, एंड उस टाइम भी पोस्टपोनमेंट हुआ। एट द मोमेंट जब हर अदर चैनल, हर अदर पर्सन आपको यही बोल रहा था पोस्टपोनमेंट के चांसेस है, 30% पोस्टपोनमेंट के चांसेस है, वो कहां गए आज के मोमेंट पे? जब आपकी ये नोटिस आई है, उनके टेलीग्राम ग्रुप तक बंद किए जा चुके हैं, उनके कमेंट सेक्शन को भी ऑफ कर दिया गया है, वो तो पहले से ही ऑफ है। एक बार तुक्का लग जाना अलग होता है, बार बार एक ही चीज को करते रहना वो होता है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। एंड वी एट द टीम हैविंग 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जिसके अकॉर्डिंग हम कॉन्टिन्यूसली चीजें आपको प्रेडिक्ट करते आए हैं, प्रेडिक्ट इन द सेंस आपको बताते हैं। अगर आपके हमारे वीडियोस से 1% भी हो हेल्प हो रही है, तो डू वॉच माई चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपको प्रॉफिट या आपको हमारे चैनल से कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपके एडमिशन में हेल्प नहीं हो पा रहे, तो वी आर रियली सॉरी फॉर डैट, आप चैनल छोड़ के जा सकते हो। आपको मैंने नहीं बोला है, नाइदर यू आर पेइंग मी कि मैं आपको कॉन्टिन्यूसली इंफॉर्मेशन देता रहूं। हम ये वीडियो ये चीजें उनके लिए कर रहे हैं जिनको इससे प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो सर आप वीडियोस मत देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप देखो, क्योंकि आपके देखने ना देखने से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। हमें सिर्फ वही कैंडिडेट्स चाहिए जो जेन्युइन है, जो चीजें जिनको लगती हैं कि हमारी चीजें जेन्युइन है, जिनको लगती हैं कि चीजें हाँ एक्सपीरियंस वाइज आ रही है, कहीं से कोई सोर्सेज नहीं आ रहा है। क्योंकि हर कॉल पे हम ये नहीं बोलते हैं कि चलो आपको राजस्थान में कर देंगे, या ना ही हमने कभी ये बोला कि सारे एडमिशन्स प्रॉपर वे में ही होते हैं, क्योंकि लोगों के अकॉर्डिंग तो नीट पीजी में आपके क्या बोलते हैं उसको नेगोशिएशन होने वाला था, एनआरआई सीट्स बच के आएंगे, उसका नेगोशिएशन होगा। उनकी बातों में आके लोगों ने डॉक्यूमेंट तक बनवा लिया था, अपने एनआरआई डॉक्यूमेंट बनवा लिए थे, सीटें मॉपअप के अंदर अलॉट हो गई थी, मॉपअप राउंड 1 के अंदर जो कैंसिल हुआ, अलॉटमेंट के बाद ये कंडीशन आ गई थी कि कॉलेजेस ने उनको भगा दिया, क्योंकि जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाए उनके स्पॉन्सर या तो पैसे डॉलर देने से भाग गए या तो कॉलेज ने खुद ही भगा दिया। इवन अगर मैं अभी सोर्सेज की बात करूं ना, तो कुछ कॉलेजेस या कुछ जगहों पे इतने बड़े एनआरआई फीस के बावजूद कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी गया है एडमिशन के लिए। हाँ, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे भी कुछ दायरा है, और रही बात चीजों की इंफॉर्मेशन, तो आई एम प्रीटी श्योर आपको भी पता है चीजें कैसे वर्कआउट होती हैं, कैसे चीजें होती हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत बड़ी हेल्प हुई है, गवर्नमेंट ने काफी सारे बड़े स्टेप लिए हैं। अदरवाइज जब इंडिया में सीटों की कमी है, उस मोमेंट पे किसी स्टेट के रिकॉग्निशन को या किसी स्टेट के कॉलेजेस के रिकॉग्निशन को एनएमसी ने डिसअप्रूव कर दिया, तो दैट्स अ बिग जॉब। एंड उसके लिए मैं गवर्नमेंट को कांग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा कि उनकी वजह से ही काफी सारे बच्चों को ये सीटें मिली है, वरना अगर ये डिस्पेरेंसीज नहीं होती तो गवर्नमेंट को कैंसिल करने की जरूरत नहीं थी, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की जरूरत नहीं थी, और हर मोमेंट पे काउंसलिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं थी। अगर कुछ चीजें हो रही थी तभी ये चीजें पॉसिबल हुई, अदरवाइज इनकी जरूरत क्या थी? ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूं चीजें कैसे होती है। अगर आप पर्सनली हमसे मिलोगे तो जरूर उन बच्चों के अलॉटमेंट लेटर भी हमारे पास पड़े हैं, जिनको मैं आपको शो करूंगा किनको यहाँ पे ये एनआरआई सीट हुई थी लास्ट में, लेकिन उन्हें कैंसिल करना पड़ा या कॉलेज ने उन्हें ज्वाइनिंग या रिपोर्टिंग ही नहीं करने दिया।
अगर आप अपने सीनियर्स और बाकी लोगों में बात करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली 100% ट्रूथ है। तो सारी चीजें काउंसलिंग ही नहीं होती है, कुछ कॉलेजेस लेवल पे भी चीजें होती हैं, कुछ और भी चीजें होती हैं जो मैं आपको पर्सनली मीट करोगे तभी मैं बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हर चीजें डिस्कस नहीं कर सकते हैं। रही बात पोस्टपोनमेंट की, तो वो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि पोस्टपोनमेंट होने के लिए आपके एक घंटे पहले भी पोस्टपोनमेंट हो सकता है। लेकिन एक सिंपल चीज समझो, आप जब इतने बड़े केस को गवर्नमेंट ने या सुप्रीम कोर्ट में यह कह के खारिज कर दिया गया कि वी कांट रीशेड्यूल और वी कांट पुश फॉरवर्ड अवर एकेडमिक कैलेंडर्स को, तो मुझे नहीं लगता कि आपके कोई और एक्सक्यूज या कोई और रीजन की वजह से आपके लिए पोस्टपोनमेंट होने वाला है। नो मैटर कितने पॉलिटिशियन, कितनी बड़ी पार्टीज या कौन कौन लोग आपके फेवर में, क्योंकि सेम चीज हमने देखा था रिवाइज कट ऑफ के अंदर। गवर्नमेंट ने रिवाइज कट ऑफ को लास्ट मोमेंट पे रिलीज किया और वो भी उस अमाउंट पे रिलीज नहीं किया जितना मैं भी जानता था कि होना चाहिए या जितना आप भी जानते होना चाहिए। हमारे प्रिडिक्शंस फेल क्यों है, लोग अभी भी बोलते हैं कि सर आपने तो 210 बोला था नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूं कि मैंने 195 भी बोला था सर, 210 छोड़ो, 195 नहीं हुआ। इसके पीछे का रीजन समझना पड़ेगा। जो हमने सीट्स बोली थी वो एग्जैक्टली नंबर ऑफ सीट भी आई आपके काउंसलिंग के अंदर, हमने बोला था कि 450 to 550 वाले ड्रॉप पे भी गए थे और एग्जैक्टली वो चीजें थी जो वो बच्चे ड्रॉप पे गए थे। लेकिन मॉकअप राउंड के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज और जो प्राइवेट कॉलेज उनके अंदर नेगेटिव शिफ्ट आने का भी रीजन यही था कि ये बच्चे अगेन काउंसलिंग में रिबाउंस बैक किए और जाके सीटें डन किए, सीटें लिए अपने लिए। ये सारे रीजन आपको समझना पड़ेगा। हाँ, फेल क्यों हुआ, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये था कि जो रूल था या जो कंडीशंस पहले गवर्नमेंट फॉलो करती थी वो 1:10 था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अगर गवर्नमेंट इसको 1:5 करके चले तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं या मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हमने कोई सोर्सेस के थ्रू इंफॉर्मेशन नहीं लिया था कि 1:5 करेंगे और ये आपका स्कोर रहेगा। अगेन मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा, पोस्टपोनमेंट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, नेक्स्ट एग्जाम में क्या रिवाइज कट ऑफ आएगा कि नहीं आएगा, इन सारी चीजों पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा। प्लस एक लाइव सेशन भी रखेंगे आपके लिए, अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है तो आपके एग्जाम के बाद आप कमेंट सेक्शन में लेट मी नो, आपके लिए एक लाइव सेशन भी रखेंगे, मेनली गूगल मीट रखेंगे, जिसमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सबसे बड़ी चीज, जिसमें आपके मार्क्स और आपके ऑल इंडिया रैंक, एग्जैक्टली मार्क्स तो नहीं, ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि कहां पे क्या चांसेस बन सकता है। उसके बाद अगर आपको लगता है हमारे सर्विसेज लेना चाहिए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए हम अपने स्लॉट्स बहुत जल्द ओपन कर देंगे, आप पहले से हमारे एनरोलमेंट और बाकी चीजों को लेके रख सकते हो। क्या होने वाला है, क्या चीजें होंगी, फॉर्म्स कैसे आएंगे, क्वेश्चन पेपर कैसा होने वाला है, उसकी डिफिकल्टीज क्या है, इन सारी चीजों के आपके एग्जाम के बाद मैं कॉन्टिन्यूसली अपलोड करता रहूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको एक चीज और मैं बोल दूं, अभी के रूल के अकॉर्डिंग आपका जो एडमिशन होता है वो पीजी के ऑल इंडिया रैंक के भी आप पे होता है, लेकिन कल को अगर जाके मैं आपको बोल दूं कि आपका ये ऑल इंडिया रैंक है और आपको यहाँ पे ये सीट मिल जाएगी, ये ब्रांच मिल जाएगा, और उसके बाद गवर्नमेंट एक नया रूल लेके आ जाए और बोले कि आपके एमबीबीएस के परसेंटाइल के ही अकॉर्डिंग आपका होगा, तो अगेन आप उसके लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि रूल्स को चेंज किया गया देन हमारे प्रेडिक्शंस और चीजें फेल हुई हैं। मैंने ये भी आज तक नहीं बोला कि 400 प्लस या 500 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया और उनमें से केवल 10 लोगों का हुआ है, क्योंकि रियलिटी अगर आप सीनियर्स और अपने जूनियर से बात करोगे ना तो उन्हें बेटर वे में पता है कि कौन एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। 400 रजिस्ट्रेशन करा के और 40 काम करके कोई महान नहीं हो जाता है। मैं भी नहीं बोल रहा हूं कि हमने जितने रजिस्ट्रेशन कराए थे सब हो गए, लेकिन 90% जितने भी हमने रजिस्ट्रेशन कराए थे वो हो गए। लास्ट मोमेंट पे अगर आप हमारे फोन से रिसीव ना करो, आप एक्स्ट्रा स्मार्ट बन जाओ, मैं आपको बोलूं कि आप यहाँ चले जाओ काउंसलिंग करो, आप वहां ना जाओ, तो उसमें हमारी फॉल्ट नहीं है, वो हमारे सर्विसेज की फॉल्ट नहीं है, वो आपको समझना पड़ेगा, वो आपकी तरफ से प्रॉब्लम आया है, वो आपकी चीजें हैं जो आपको करेक्ट करनी पड़ेंगी। और रही बात की हमारे प्रिडिक्शंस फेल हुए हैं, तो हाँ उसके लिए मुझे खेद भी है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मेरी वजह से 210 और बाकी चीजें नहीं हुई है, उन बच्चों को होप मिला और उनके एडमिशन्स नहीं हुए, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको सॉरी बोलना चाहूंगा। लेकिन हाँ, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो चीजें क्यों नहीं हुई और किस लिए नहीं हुई। पोस्टपोनमेंट के लिए तो इतना ही फिलहाल, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।